वेलकम बैक टू माई सेल्स क्लासेस। सो स्वागत है आपका अपने चैनल माई सेल्स क्लासेस पे। इस वीडियो में हम आज के करंट अफेयर से जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होंगे वो सारे डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट करंट अफेयर, देखो तेलंगाना सरकार ने अभी क्या किया है, प्रख्यापित किया है एक अध्यादेश। ठीक है, अध्यादेश का नाम क्या है? देखो अध्यादेश का नाम है तेलंगाना आपदा और सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल विशेष प्रावधान है, अध्यादेश 2020। किसके द्वारा किया गया है ये राज्यपाल वहाँ के गवर्नर तिमलिसाई साउंड राजन के द्वारा। ठीक है, क्या है इसके अंदर? जो भी सार्वजनिक जो स्वास्थ्य में कर्मचारी हैं, जो आपातकाल स्थिति में व्यक्ति, जो भी कर्मचारियों के लिए पेंशनरों के भुगतान, जो पेंशन का भुगतान करते हैं उनके लिए ये अध्यादेश जारी किया गया है। ठीक है, तेलंगाना सरकार द्वारा। इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में ऑटिस्टिक प्राइड डे मनाया गया है। ऑटिस्टिक प्राइड डे होता क्या है? ऑटिस्टिक प्राइड डे, देखो प्रत्येक वर्ष ऑटिज्म से पीड़ित, किससे पीड़ित? ऑटिज्म से पीड़ित लोगों के लिए मनाया जाता है ये डे। ठीक है, और हर वर्ष 18 जून को ऑटिज्म के शिकार व्यक्तियों के लिए, उनके अधिकारों के सम्मान के लिए ऑटिस्टिक प्राइड डे मनाया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा मनाया जाता है? WHO के द्वारा। किसके द्वारा? WHO के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और इसके अनुसार, WHO के अनुसार 160 बच्चों में से एक को, मतलब हर 160 बच्चों में से एक को, ये रेशियो है, क्या है? ऑटिज्म स्पेक्ट्रम का विकार है, उसका शिकार है। और ऑटिज्म बचपन के दौरान शुरू होता है और किशोर अवस्था और वयस्कता में बना रहता है। इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, अभी हाल ही में टाटा AIA लाइफ ने किसके साथ? ECS के साथ क्या करा है? करार करा है। ठीक है, क्या है? देखो जो हमारी ये जो टाटा AIA, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, इसने ई के वाई सी के साथ करा है। EKYC क्या होता है? तो KYC की फॉर्म होती है नो योर कस्टमर। ठीक है, EKYC के साथ करा है। EKYC क्या करती है? ये अपने जितने भी ग्राहक होते हैं उनको ऑनलाइन EKYC अपनी कंपनी जीवन बीमा समाधानों के लिए ग्राहकों को सहज ऑनलाइन आवेदन प्रदान करेगी। ठीक है, ये टाटा AIA लाइफ की एंड टू एंड डिजिटल बिक्री प्रणाली को और अधिक कुशल बनाएगा। इसका रीज़न क्या है? जो टाटा AIA लाइफ की एंड टू एंड डिजिटल बिक्री प्रणाली को अधिक कुशल बनाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में कर्नाटक बैंक ने लॉन्च किया है COVID-19 हेल्थ कवर। ठीक है, किसने लॉन्च कराया? कर्नाटक ने। क्या कराया? COVID-19 हेल्थ कवर। बस इतना क्वेश्चन बनेगा, बाकी एक्सप्लेनेशन में देख लें। कर्नाटक बैंक ने COVID-19 महामारी द्वारा उत्पन्न अनिश्चितताओं को कवर करने के लिए एक स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी शुरू की है। हाल ही में RBI ने क्या करा है? जितने भी होम फाइनेंसर है ना, उनको सख्त करने का प्रस्ताव दिया है उनके नियमों को। ठीक है, और बात करें तो RBI ने बोला है कि जो होम लोन, जो होम फाइनेंसर है वो और जो उनके बीच में आते हैं, ठीक है, उनको भी क्या करना है, उनके लिए भी व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण है ये। ठीक है, और बात करें RBI ने जो डेवलपर होते हैं, डेवलपर परियोजनाएँ होते हैं ना, एंटरप्रेन्योर जो बनना चाहते हैं, उन सबको भी रियल स्टेट डेवलपर के साथ ही होम बायर्स को एक ही समय पर ऋण देने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। ठीक है, एक टाइम पे ये दोनों लोन नहीं ले पाएंगे आप। नेक्स्ट, हाल ही में फेसबुक ने किसको खरीद लिया है? मैपिलरी को। मैपिलरी क्या है? एक स्वीडिश मैपिंग कंपनी है। ठीक है, स्वीडिश मैपिंग कंपनी। ठीक है, और मैपिलरी करता क्या है? ये क्या करता है? जितनी भी पुरानी पिक्चर्स होती है उनको इकट्ठा करता है, जितनी भी छवियां होती हैं उनको एकत्रित करता है, और फिर इनका इमर्सिव और अप टू डेट मैप बना सके। इसलिए कंपनी की प्रौद्योगिकी का उपयोग फेसबुक मार्केट प्लेस के लिए किया जाएगा। ठीक है, फेसबुक मार्केट प्लेस आप सबको पता है, आजकल हम सब फेसबुक यूज़ करते हैं। पावर प्रोडक्ट और मानवीय संगठनों को डेटा की आपूर्ति के लिए किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, अभी हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज बनी है ऋण मुक्त। रिलायंस ऐसी कंपनी है जो ऋण मुक्त है। ठीक है, इसका 1.61 ट्रिलियन रुपए का शुद्ध ऋण था। ठीक है, जिसके मुकाबले उसने कितना कर लिया है? 1.75 ट्रिलियन रुपए जुटाए हैं। ठीक है, बाकी ये फैक्ट्स हैं। फैक्ट्स इतने ज़्यादा जरूरी नहीं है। हाल ही में ICICI बैंक ने
आईसीआई लैम्बर्ट जनरल इंश्योरेंस कंपनी के, देखो आईसीआई बैंक ने आईसीआई लैम्बर्ट जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड के कितने 10 रुपये प्रत्येक फेस वैल्यू के हिसाब से कितने, उन्होंने वैल्यू के हिसाब से 18 करोड़ इक्विटी शेयर को वापस ले लिया है, ठीक है। बात करें आईसीआई लैम्बर्ट जनरल इंश्योरेंस कंपनी की, तो आईसीआई बैंक में उसकी हिस्सेदारी कितनी है, लगभग 51%, मोर देन हाफ, ठीक है। सो जैसे अगस्त 2021 तक यूएनएससी का अध्यक्ष रहेगा भारत। देखो बात करते हैं भारत जैसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का क्या चुना गया है, गैर स्थायी सदस्य, ठीक है। अगस्त 2021 महीने तक के इसके लिए अध्यक्ष के रूप में काम करेगा, ठीक है। सो हाल ही में अभी क्या हुआ है, जो सीएसबी बैंक है, सीएसबी बैंक में शामिल होंगे प्रलय मंडल, जैसे कि खुदरा, एसएमई, संचालन, आईटी, सो इन सब के अध्यक्ष, ठीक है। सीएसबी बैंक में घोषणा की है कि उसके बोर्ड में प्रलय मंडल के संगठन ये सारे क्या होंगे, शामिल होंगे। सो हाल ही में फिच कंपनी ने भारत की रेटिंग आउटलुक को क्या किया है, नेगेटिव बताया, ठीक है। फिच रेटिंग्स ने BBB के निम्नतम निवेश ग्रेड पर अपनी संप्रभु रेटिंग को बनाए रखते हुए भारत के लिए अपने रेटिंग आउटलुक को स्थिर नेगेटिव तक संशोधित किया है, ठीक है। सो हाल ही में KR सच्चिदानंदन का निधन हो गया है, ठीक है। KR सच्चिदानंदन कौन थे, ये फिल्म मेकर थे, पटकथा लेखक थे और निर्माता थे, ठीक है, निर्माता। अब इनका क्या हुआ है, निधन हुआ है जून में। तो बात करते हैं इनके बारे में, तो इन्होंने अभी हाल में पृथ्वीराज बीजू मेनन अभिनीति फिल्म अयपनम कोशियम बहुत हिट हुई है। बात करें इनकी, तो ये बचपन से ही, ये मतलब कॉलेज के दिनों से ही थिएटर के शौकीन थे और उन्हें रामलीला, सीनियर्स और रन बेबी रन सहित कई हिट फिल्में लिखी हैं, ठीक है। सो अभी हाल ही आईआईटी कानपुर ने क्या डिसीजन लिया कि वो प्रतिदिन 25,000 मास्क उत्पादन करेंगे, कौन से, N95 और N99। सो ये मानना है कि जो ये आईआईटी या फिर कोई भी शैक्षणिक संस्था या टेक्नोलॉजी बिजनेस इनक्यूबेटर इन सब के द्वारा ये कोई पहली पहल है, ये ठीक है, ऐसा कुछ करने वाली पहली पहल है। आईआईटी कानपुर में उत्पादन इकाई का उद्घाटन 18 जून को हुआ है, ठीक है। जो हाल ही में मुंबई ने क्या लॉन्च किया है, एक ऐप जिसका नाम क्या है, एयर वेंटी ऐप। इससे क्या होगा, जो नगर निगम ग्रेटर मुंबई है उसके निवासियों को उसके आसपास के अस्पतालों में वेंटिलेटर की, ठीक है, आईसीयू की और इन सब की उपलब्धता का पता चलता रहेगा, ठीक है। बात करें इसके साथ किसी के साथ हिस्सेदारी करी है ऐप को लॉन्च करने में, हाँ हिस्सेदारी किसके साथ करी है, ऑक्टावेयर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के साथ, ठीक है। नेक्स्ट प्रोबिटी सॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड के साथ, इन दोनों ने मिलकर इस ऐप को क्या करा है, लॉन्च करा है। तो जो BMC है, ब्रहन मुंबई नगर निगम, उन्होंने क्या करा है, अस्पतालों में KEM नायब सायन और जेम्बो सुविधाओं सहित, ठीक है, इन सबको मिला के 20 संस्थानों पर क्या करा है, विशाल तरल ऑक्सीजन टैंक की स्थापना करी है, ठीक है। तो ऐसा करने का रीज़न क्या है, क्योंकि मुंबई के जो हॉस्पिटल है उनमें लगभग 5 गुना ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ गई है, ठीक है। सो इनको स्थापित करने के लिए ऑक्सीजन टैंकों को प्लेटफॉर्म बनाया गया और फिर प्लेटफॉर्म पे अभी प्लेटफॉर्म बना दिए गए हैं, अगले हफ्ते तक क्या हो जाएगी, वो पूरा हो जाएगा। सो हाल ही में क्या आईजोल का जो राजीव गांधी स्टेडियम है उसको क्या किया जाएगा, अपग्रेड किया जाएगा, किस किस स्कीम के द्वारा किया जा रहा है, खेलो इंडिया के तहत। खेलो इंडिया ने जो लॉन्च की है, खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में अपग्रेड किया जाएगा। सो ये एक अच्छा कदम उठाया गया है हमारे देश में खेल मंत्रालय और खेलों की परिस्थिति को मजबूत करने के लिए, ठीक है। ये भारत में ओलंपिक में उत्कृष्टता के सपने की दिशा में मौजूदा प्रतिभाओं को बढ़ाने का एक मंच होगा। तो हाल ही में
देखो, भारतीय रेलवे ने समाप्त कर दिया चीन को अनुबंध। देखो, जो DFCCIL है, क्या फुल फॉर्म है इसकी, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने बीजिंग के नेशनल रेलवे रिसर्च एंड डिज़ाइन इंस्टीट्यूट ऑफ सिग्नल और कम्युनिकेशन ग्रुप लिमिटेड के साथ क्या कर दिया है, अनुबंधन कर दिया है, सारे समाप्त कर दिए हैं। बात करें इसके आगे की, बंद क्यों किया गया है, कोई COVID-19 का रीज़न नहीं है, सिर्फ उन्होंने क्या करा है, उनका प्रदर्शन ख़राब था इस वजह से, ठीक है। 2016 में, अभी रिसेंटली 2016 में, कुछ साल पहले, सिग्नल सिस्टम और दूर संचार, सिग्नलिंग सिस्टम जो सिग्नल होता है, ठीक है, सिग्नल सिस्टम और दूर संचार कार्य को स्थापित करने के लिए चीनी कंपनी को अनुबंध कर दिया गया है। सो चाइना के साथ वैसे ही अनुबंध चलती रहती है। तो हाल ही में दिल्ली ने सबसे बड़ी कोविड सुविधा क्या करी है, हमारे यहाँ पे ना एक राधा स्वामी आध्यात्मिक केंद्र है, ठीक है, उसको क्या बनाने की कोशिश कर रही है, 10,000 बिस्तर वाला विश्व का सबसे बड़ा अस्थायी COVID-19 देखभाल सुविधा परिवर्तित करना शुरू कर दिया है, ठीक है। बात करते हैं इसके बारे में, तो इसके बारे में दिलचस्प बात यह है कि जो ये थिएटर, जो ये सुविधा करी जा रही है, ये क्या होंगे, ये नालेदार कार्डबोर्ड है ना, जिससे क्या होगा, इनको ना तो साफ़ करने की ज़रूरत पड़ेगी और दोबारा यूज़ करने के लायक भी होंगे, ठीक है। इन बिस्तरों को वास्तव में असेंबल और डिसमेंटल करना आसान होगा, ठीक है। सो इसकी टैगलाइन इंपॉर्टेंट, सिर्फ क्लाइमेट प्लेज में शामिल, अभी ये क्वेश्चन पूछा सकता है, क्लाइमेट में हाल ही में कौन शामिल हुआ, तो इन्फोसिस, कौन शामिल हुआ है, इन्फोसिस। बात करें क्लाइमेट प्लेज 2050 तक, क्लाइमेट प्लेज क्या कह रही है कि पेरिस समझौते में उन्होंने क्या करा था कि वो 2040 तक, देखो उनका टारगेट था 2050, बट 2040 तक वो कह रहे हैं कि वो क्या करेंगे, शुद्ध शून्य कार्बन होने की आह्वान करती है, ठीक है। अमेजन की योजना 2020 तक की गई हस्ताक्षरकर्ताओं को शामिल करने की है। जो हाल ही में सीरम इंस्टीट्यूट और यूनिसेफ के बीच एक समझौता हुआ है, क्या हुआ है, जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है वो न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन की 10 मिलियन खुराक प्रदान करेगा। तो हाल ही में ADB ने, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने बोला है कि जो भारत की अर्थव्यवस्था है, जो 4% तक सिकुड़ सकती है भारत की अर्थव्यवस्था। इसके पीछे रीज़न क्या बताया, इसके पीछे रीज़न बताया कोरोना वायरस की महामारी को। तो अभी हाल में सुदर्शन एस शर्मा किसके CEO बने हैं, कार्जोनेंट इंडिया के, बस इतना इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बस नाम याद रखो और किसके CEO बने हैं, ठीक है। जो सुदर्शन शर्मा थे उन्होंने गूगल के साथ और फेसबुक के साथ काम किया हुआ है। हाल ही में PIF, क्या है PIF, सऊदी अरब की एक पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड है, जो कि क्या करेगी, जियो प्लेटफॉर्म में 2.32% हिस्सेदारी के लिए 11,367 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। हाल ही में IRB क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लिमिटेड ने मुंबई पुणे को एक्सप्रेसवे की टॉलिंग अधिकारों को प्राप्त करने के लिए कितना, 6,600 करोड़ का ऋण देने की वित्त पोषण के साथ समझौता किया है। हाल ही में एक मोबाइल लैब का यूज़ कि, वो किया गया लॉन्च, और क्यों की गई है, किसको बढ़ावा देने के लिए, जो भारत में अंतिम मील प्रशिक्षण परीक्षण पहुंच में बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, किसने करी है, हमारे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कौन है, डॉक्टर हर्षवर्धन ने, ठीक है। लैब का नाम क्या है, इन्फेक्शस डिजीज डायग लैब, इन्फेक्शस डिजीज डायग लैब, और लैब में प्रतिदिन 25 RT-PCR और 300 ELISA प्रशिक्षण करने की क्षमता है। हाल ही में 18 जून को क्या क्या मनाया गया है, 19वां ग्रेट जून अपराइजिंग डे, ठीक है, मणिपुर इम्फाल, कहाँ कहाँ मनाया गया, इम्फाल और अन्य स्थानों पर मनाया गया है, बस इतना याद रखना कहाँ मनाया गया और क्या मनाया गया है। हाल ही में वोल्कन बोजिक, कहाँ के हैं ये, तुर्की के, इनको क्या बनाया, यूएन असेंबली के अध्यक्ष बनाया गया, ठीक है, और 75वें स्तर के अध्यक्ष हैं, और इन्होंने 178 सदस्यों का सर्वसम्मति का समर्थन प्राप्त कराया।
और महासभा अध्यक्ष का कार्यकाल 1 वर्ष होता है। सो हाल ही में उड़ीसा क्या कर रहा है, CCH क्या है, COVID-19 केयर होम को स्थापित कर रहा है, ठीक है, ग्राम पंचायतों में। यह COVID-19 प्रबंधन को विकेंद्रीकृत, ठीक है, करने के लिए ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों पर स्थानीय स्तर पर COVID-19 प्रबंधन समितियों मीन्स ये बेसिकली स्टार्ट किया गया है ताकि सेंटर पे ही नहीं, स्टेट पे, ग्राम पे, डिस्ट्रिक्ट पे, सब पे COVID-19 को, सबके सारे स्टेजों पे इनको संभाला जाए, डिसेंट्रलाइज करा जाए प्रेशर को। इन केयर होम्स में जो बनाए गए हैं इनमें कौन रहेंगे, सर्दी बुखार और खांसी वाले लक्षण वाले लोग रहेंगे, ठीक है। प्रत्येक CCH में लगभग 10 से 20 व्यक्तियों को रखा जा सकता है। हाल ही में व्योमो ने की आदित्य बिरला सन लाइफ के साथ AMC के साथ साझेदारी, ठीक है। ये सिर्फ इंदिरा इम्पार्ट ने, व्योमो ने किसके साथ साझेदारी करी है, AMC के साथ। सो हाल ही में 19 जून को अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष में यौन हिंसा उन्मूलन दिवस के रूप में मनाया गया, ठीक है, यौन हिंसा उन्मूलन दिवस। इस दिन का मुख्य उद्देश्य संघर्ष से संबंधित यौन हिंसा को समाप्त करने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाना है, ठीक है, अवेयरनेस फैलाने के लिए। इसके अलावा यह दिन दुनिया भर में यौन हिंसा के सभी पीड़ित और सर्वाइवर का सम्मान करता है। सो ये थे आज के करंट अफेयर्स। सो आज मैंने क्वेश्चन सेट नहीं करे हैं क्योंकि फिर वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है और इसमें भी सारा मोस्टली सारा करंट अफेयर कवर कर दिया है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे।